सबसे ऊपर आ गए हैं भीड़ पे, बहुत ज्यादा लग रहा है। चलो हो चुके हैं पूरा ऊपर गए, तो ऊपर जो हमको बंदे लगे गए वो अपने बंदे नहीं लगे गए, पायलट जिन्होंने हमको उड़ाना था। आज 22 अक्टूबर और अभी हम चले हैं घूमने, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं रावी की साइड पे, पुल पार करके पंजाब। बीर विलिंग जाने के लिए पैसे बड़े लाए हैं, देखो क्या बनता है। पंजाब खत्म यहाँ पे और अभी हम जा रहे हैं हिमाचल में। पालमपुर 100 है, मंडी ना 94, और ये यहाँ पे टोल काटते हैं मेरे ख्याल से। बुग्गे घट भी तेरे ड्राइवर ने अल्ला रोटी नहीं खाधी थी है। ओ यार देख रहे हैं खोपड़ी के एक दो डंडे रह गए यार। जसूर पेट्रोल पंप है ये, कैसा बाथरूम था? बाथरूम गंदा, मुंह नहीं दिखा शीशे में अपना यार। कैफे पंचम हेलो। गाड़ी हमने यहाँ पार्क, ये अपना पंचम रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस, रूम्स अवेलेबल। ऑर्डर दिया खाने का, पनीर भुर्जी और रोटी, खा के निकलते हैं आगे। इस टाइम हम त्रिलोकपुर में और ये शिवजी का मंदिर है वहाँ पे, ये सामने पुल है, वो अपनी गाड़ी लगी है। ये कोई होटल रेस्टोरेंट है पंचम, अभी हम वहाँ पे खाना खाएंगे। और ये देखिए वाटरफॉल, नेक्स्ट लेवल। रोटी आ गई अपनी, क्या बनाया भाई? भुर्जी के भाई के अलग ही स्टाइल के हैं, दही है तीन, खाते हैं रोटी फिर क्या करें। पंचम रिजॉर्ट, ठीक है चलते हैं भाई ने सोची खाने को। ऐसा कभी चुए खाना आपको? ठीक है भाई, उसमें नमक कम था, पनीर पनीर में नमक कम था, और जो उसने दही दिया था, जो उसने दही दिया था तो उसने उससे जो मेरे को स्पून दिया था वो सांडे वाला था, जो स्पून दिया था बड़ा था, संडे वाला स्पून बन सकता है संडे को दवाई तेरा बड़ा। बीशु भाई कहने वाला जो इसे डंगरों को दो दवाई पिलाते हैं वो स्पून था। बीशु भाई आपको देख के उसने डंगर समझा आपको? हाँ चलो चलिए कांगड़ा पहुँच गए ब्रदर्स, धर्मशाला हो गया रास्ता ऊपर। नड्डी, मंगलोड़गंज, धर्मशाला, चमुंडा देवी, योलकैंट, विधानसभा कॉम्प्लेक्स, और अभी हम जा रहे हैं खांगड़ा की तरफ। पालमपुर यहाँ से 40 है, मनाली है 233। पालमपुर 6, बीयर बिलिंग साइट 50। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा, पालमपुर से आगे टी गार्डन में बाइक की डिमांड पे
स्पेशल फोटोग्राफी और इनकी तब से लड़ाई चल रही है, मेरे नहीं खींच रहा, उसके नहीं खींच रहा। देखो इनको, ध्यान से देखो इनको। फोटो तो आया नहीं कोई अच्छा, पर मच्छरों ने काटा। क्यों भाई मच्छर काटे क्या आपको? आपको किसने अंदर जाने के लिए? ये भाई ये वाला। अभी हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं, कांगड़ा आ गया पीछे। हल्की हल्की ठंड हो रही है, इसी वजह से ऐसे बाहर गर्मी है। गर्मास आ गया है भाई, भी थोड़े नर्वस आ गए हैं। विशु भाई भी नर्वस आ गए हैं। मैं तो हूं ही लैंडिंग साइट की तरफ चलते हुए। भाई ने पूछना कि कितने चांस हैं कुछ गलत होने के। वो डायलॉग भी तो आओ। भाई ने बोला कि 1 मिलियन में से कोई एक बंदा मरता है। तो भाई बोल रहा है कि मेरी मम्मा बोलते हैं कि तू लाखों में से एक है रोनी। तो अब रोनी यहाँ लाखों में से एक नहीं बने, बस बाकी और कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट रोनी, ऑल द बेस्ट टू ऑल, ऑल द बेस्ट विशु, ऑल द बेस्ट। बिलिंग की साइट पे पहुंचते हुए और माहौल थोड़ा और गर्म होता हुआ। भाई को पानी की बोतल मांगनी थी, इनसे मुंह से पानी नहीं निकल रहा, पानी पिला दो। ये बोल रहे हैं पुदीना। वो भाई उड़ रहे हैं ऊपर, अभी कुछ ही समय में हम भी ऐसे होंगे। ये यहाँ पे उतर रहे हैं यार। मैं कहता हूँ ना ये थोड़ा सनसेट होने का फिर करते हैं, अभी धूप है। क्या कहना गाइस? भाई इनको इनको गए बोला नहीं जा रहा कुछ भी। साइड पे पहुंच गए हैं। तो अभी टाइम हुआ है 4:10। डिसाइड किया कि जब सनसेट होगा तब हम अपनी फ्लाइट लेंगे। तो अभी भाई जान खाना खाने चले हैं। हलाल होने से पहले कुछ अच्छा खाना खाना जाते हैं। और ये देखो अभी हम जा रहे हैं इसमें हिमालयन पिज़्ज़ा, बेस्ट पिज़्ज़ा वैल्यू। दो एस्टैब्लिश सिंस 2014। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, लग जाए पता। वाईफाई भी है, वाईफाई चाहिए नहीं, जियो वाला वाला नेट दिया। हो गया लेट, अब टाइम हो गया 5 बज गए हैं। और ये हमारे विशु भाई हैं। ये भाई अभी इन्होंने रास्ते में कम से कम भी 3 बार कपड़े चेंज कर दिए, 4 बार चेंज कर दिए। आओ 4 बार अभी फिर से कर रहे थे, मना किया। गलती बंदा भाई, गलती बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचते हुए। सनसेट अभी हो रहा है और जब सनसेट होगा हम फ्लाइट लेंगे फ्रॉम द टॉप। ये सनसेट हो रहा है और बिल्कुल होराइजन पे हम। ये है बिलिंग, जहाँ से हम हैं वो है बीर, बीर से बिलिंग है कोई कम से कम 15 किलोमीटर दूर। और अभी हम बिलिंग पे है, यहाँ सबसे ऊपर आ गए हैं बीर पे। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, देख सकते हैं आप सूरज चपाट। बस अभी अपने गियर्स डालेंगे और रेडी होंगे। मौत की ओर चलते हुए खज्जल हो चुके हैं पूरा। ऊपर गए तो ऊपर जो हमको बंदे लगे गए वो अपने बंदे नहीं लगे गए, पायलट जिन्होंने हमको उड़ाना था। फिर हम वापस आ गए।
अब होटल ढूंढ रहे हैं, कोई मिलेगा तो सही है, नहीं तो बाहर। हाँ सही बात है भाई, बिल्कुल। क्या हो रहा है माँ, मैं यहाँ कैसे आ गया माँ? तो हमने बीच के साइड पे रूम ले लिया है, देखो पेड़ लगे हैं, और जहाँ हम रुके हैं वो है हिप होस्टल बीर बिलिंग। ये कमरा मात्र 800 नहीं 1800 में, ऐसे बाबा को लगा था कि ये 800 में है, फिर उसने समझाया उसको 800 बस। चलो कोई बात नहीं, अब यस वाह। गुड मॉर्निंग मित्रों, टाइम हो गया 6 in the morning, और अभी हम अपने जो पैराग्लाइडिंग करवाने वाले भैया को फ़ोन किया, वो अब आ रहे हैं। सनराइज होने से पहले हमको ऊपर पहुंचना है, फिर हमको करनी है पैराग्लाइडिंग। बाबा भाई यार ये थोड़ा सा डर ही लग रहा है, चलो कोई नहीं ऊपर पहुंच के करते हैं। वो मॉर्निंग एट हिप होस्टल बीर, बाबा रेडी है, बिशु भाई रेडी हैं। अभी हम गाड़ी है, क्या गाड़ी, गाड़ी नंबर 6086 ऑल्टो, जो इसमें हम कल गए थे उसमें भाई ने उल्टी मारी थी। तो कोई बात नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी टाइम। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल जो खाली जगह ऐसे नाले में पेड़ है ना, ऐसे नाले वो सामने नीचे वो लैंडिंग है, यहाँ से एक ही टेक ऑफ है और एक ही लैंडिंग है। फिर से ऊपर एक बार, और इस बार उड़ेंगे जरूर। सनराइज होते हुए वहां से, और यहाँ पे विशाल खासे साफ साफ जगह दिख रही है, वहां उतरेंगे। बड़ी तगड़ी हवा है, आगे इनमें काम होते हैं। एयर प्रेशर की वजह से तो खुल गया, प्रेशर की वजह से खुल गया। और क्या फिर भी नहीं पता, वो एक गाइस देखो, वो देखो वो उड़ गया, उड़ गई सच। कल वहाँ से और इसी में हवा देखी, अब यहाँ से मोड़ के वहाँ जा रहे हैं। वक्त आ चुका है, ये हमारे पायलट्स। वैसे सुसु लगा, कहाँ करूँ वहाँ पे, तो तू बंद जा नहीं देर। अपने लिए सामान तैयार करते हुए वहाँ पे बाबा का रेडी हो गया, वहाँ पे अब हम भी जाएंगे हवा में। Run, 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 run
वही लैंडिंग साइड पे लैंडिंग थोड़ी अपनी करवा गई, बाकी सब बढ़िया था। नाइस एक्सपीरियंस। बाबा नीचे लेटा हुआ है, बीच वही आ गए हैं। पोस्टल वीर से निकलते हुए अब कैसा लगा आपको? अच्छा था बिछुआ आपको? अगर धुआं क्यों निकल रहा है यहाँ से? गाड़ी थोड़ा एग्जॉस्ट खराब हो गया। ओके ओके ठीक है सर, निकलते हैं अब। ये पता नहीं कहाँ जाना है, हम भी उस पहाड़ से आए थे नीचे साइड पे। टाइम क्या हो रहा अभी? 11:42। यस और कितना होगा? लगनपुर पहुंच गए। मास्क की कोई नो नीड ऑफ मास्क रहता है, नहीं चाहिए मास्क। लगनपुर पहुंच गए भाई लोग, जर्नी एंड करने जा रहे हैं अभी हम। चेक होगा हमारा यहाँ पे। बारिश वहाँ पे दिखाई थी, वहाँ बड़ी नहीं, यहाँ बढ़ रही है। ठीक है फिर, कैसा रहा आपका ट्रिप? विश्व ही आपका ऑसम। मेरा भी यार बहुत अच्छा था। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बाबा दे दी ना हमने, सब कुछ बताया ना हमने, विश्व बताया ना हमने सब कुछ। बताया क्या? ओ सॉरी सॉरी, वो फिरंगी ढाबा गए थे वो हमने मिस कर दिया, क्योंकि हमको थोड़ी भूख लगी थी। बाकी देख लेना। ओके फिर, चंगा फिर।